हाय गाइस, आज बात करेंगे सूर्य जल अर्पण की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जब हम सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, हम इस तरह से उन्हें ऊपर की साइड से जल अर्पण करते हैं, तो सूर्य की रेज जब उस जल से टच होती हैं, इट फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, और ये जो 7 रेज हैं जब हमारी फिजिकल बॉडी को टच करती हैं, इसको बेनिफिट करती हैं, तो हमारी फिजिकल बॉडी जो होती है, दिस इज़ स्पिरिचुअली नॉट द ओनली वन बॉडी अ ह्यूमन बीइंग कैरीज। ये बेसिकली वी हैव टोटल 7 बॉडीज, एक के अंदर एक लेयर्ड होती हैं। सातों बॉडीज़ अलग अलग चक्रास से एसोसिएटेड होती है, अलग अलग चक्रास के अलग अलग कलर्स होते हैं, और वो जो कलर हैं मैच करते हैं यही स्पेक्ट्रम से जो सूर्य देव की या सन की रेज से क्रिएट होती हैं, जब वो वाटर से वाटर को हिट करती हैं या वाटर को क्रॉस करती हैं। रूट चक्रा रेड कलर का होता है, सेक्रल चक्रा ऑरेंज कलर का होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा येलो कलर का होता है, एंड देन हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का होता है, एंड देन थ्रोट चक्रा ब्लू कलर का होता है, देन थर्ड आई चक्रा इज सॉर्ट ऑफ इंडिगो, एंड देन क्राउन चक्रा इज वायलेट, राइट। तो ये 7 कलर्स जो हैं हमारे चक्रास और ये डिफरेंट जो बॉडीज हैं इनसे एसोसिएटेड होते हैं, और वो रेज भी इन्हीं कलर की होती हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट एंड इंडिगो। तो वो जो विबग्योर फॉर्म होता है उन उस स्पेक्ट्रम से, वो अलग अलग जो सन रे है वो अलग अलग चक्रा और अलग अलग जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है उसको बेनिफिट करती है और उसको हील करती है। हमारी लाइफ जर्नी जो है वो स्मूदन हो जाती है। हम जब लाइफ जर्नी के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं तो हमारे रिवॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं, और हम ये कहने लगते हैं कि सूर्य देवता को जल अर्पण करने से हमारे सभी ग्रह शांत हो रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करके मैं बता देती हूँ। अगर हम 7 स्पिरिचुअल बॉडीज़ की बात करें, सबसे पहले तो ये फिजिकल बॉडी है हमारी, जो कि थ्रू आउट वेरियस लाइफ टाइम्स हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन सिखाती है। हम फर्स्ट लाइफ टाइम में आते हैं एज अ पैरासाइट, और यहाँ से हम लिबरेट होते हैं अर्थ में जन्म मरण से एज एन एसेंडेड बीइंग या एक एनलाइटन बीइंग के रूप में। ठीक है, एक बुद्धा वाली फॉर्म में जब हमारी सोल आ जाती है, देन वी आर लिबरेटेड फ्रॉम दिस अर्थ, राइट। तो इसके अंदर जो अनदर लेयर होती है वो है इथरिक बॉडी, विच इज़ एसोसिएटेड विद द फिजिकल मैच्योरिटी, राइट। एंड देन उसके अंदर जो बॉडी होती है दैट इज एस्ट्रल बॉडी, विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर इंटेलेक्ट, आवर थिंकिंग, आवर रीजनिंग। ठीक है, ये सब जो क्वालिटीज़ हैं या ये सब बॉडीज़ हैं टाइम टू टाइम ग्रो करती हैं थ्रू आउट वेरियस लाइफ टाइम्स, ये कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती जाती है और ये चीज़ें सामने आती हैं, राइट। कुछ चीज़ें हमारी एक ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ टाइम में थ्रू आउट एज ग्रुप की, इतने से इतने एज ग्रुप में ये डेवलप होगा, इतने से इतने एज ग्रुप में डेवलप होगा, और कुछ चीज़ें हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ टाइम्स में कि इस जन्म में होगा, इस जन्म में ऐसे ग्रो करती है, फाइन। सो अनदर बॉडी इज मेंटल बॉडी, विच इज़ एसोसिएटेड विद आर इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिव स्किल्स। देन स्पिरिचुअल बॉडी इज़ द अनदर इंटरनल बॉडी, जो कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से एसोसिएटेड होती है। जब हम लाइफ में बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, हमारा विजन ब्रॉड हो जाता है, हमें समझ में आता है कॉस्मोस में बहुत कुछ है, विजडम, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है, किसी फियर में नहीं रहना है, सेल्फ डाउट में नहीं रहना है, हम वी गेन अ बिगर पर्सपेक्टिव बेसिकली, और लिबरेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सब कुछ सीख के यहाँ से मुक्त होना है। सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी। इन अदर बॉडी इज़ कॉस्मिक बॉडी बेसिकली, जहाँ पे हमें फियर नहीं रह जाता है, बर्थ एंड डेथ का कोई हमें टेंशन नहीं रह जाता है, वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एज अ सोल, और हम सामने जो पर्सन होता है उसको भी एज अ सोल बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें हम फॉरगिव करने लगते हैं, सरेंडर करने लगते हैं, लाइफ के फ्लो के हिसाब से हम मूव करने लगते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद होती हैं इस तरीके की, कि हमारा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, वी मूव इनटू गॉड कॉन्शियसनेस बेसिकली। एंड देन अनदर बॉडी इज निर्माणिक बॉडी,
वहाँ पे हम बुद्धा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, दैट इज एनलाइटनमेंट स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि जब हमने एज अ सोल सबको पहचान लिया है, हमने अपनी जर्नी एक्सेप्ट कर ली है, हमें पता है दूसरी सोल भी है, हमें उससे नाराजगी हो बेशक, लेकिन वो भी बहुत सारे लाइफ टाइम्स क्रॉस करके आ रही है, बहुत चीज़ों से गुजरी होगी, कुछ चीज़ें माफ़ कर दी, कुछ नहीं की, एंड उनकी अपनी सिचुएशंस है, अपना चीज़ों को डील करने का तरीका है, कुछ डीएनए में उनके हैबिट्स होंगी, कुछ जेनेटिक वे में उन्होंने ली होंगी, कुछ उनके पास्ट लाइफ से आई होंगी, तो वी जनरली फॉरगिव एवरीथिंग, हम में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ जाती है चीज़ों को, एंड हम लोग क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, बेसिकली वी बिकम वेरी काम. ऑब्वियसली गलत चीज़ों पे ऑब्जेक्शन रेज की जाती है, लेकिन वी डोंट क्वेश्चन यूनिवर्सल फ्लो. ठीक है, हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ हो रही है किसी रीज़न से हो रही है, एंड वी गेट टू नो द रीज़न जब हम ध्यान लगाते हैं, तो बहुत कामनेस आ जाती है, और जो एनलाइटनमेंट वाली स्टेज होती है, बेसिकली हम कॉन्शियसनेस वाइज हम एक एनलाइटन्ड बींग हो जाते हैं, राइट? इट डजेंट मीन कि हम संन्यास ले लेंगे, बट कॉन्शियसनेस जो आपकी होती है वो एनलाइटनमेंट हो जाती है उस वे में. सो दिस इज द थिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं सूर्यदेव थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम्स, हमारे अलग अलग जन्म कितने सारे उनके सामने होते हैं, पहले बर्थ से आखिरी हमारा मुक्ति भी हो जाती है, और वो विटनेस करते हैं एज अ गुरु, ये सारे हमारी लाइफ जर्नीज, हमारी लर्निंग्स, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे फेलियर्स, और वो बने रहते हैं एज आर गुरु, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे लाइफ सिस्टम, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, राइट? तो हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं एज अ रेस्पेक्ट, और अगर हम बात करें तो एज अ ब्लेसिंग वो हमें बेनिफिट देते हैं, कि जब हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है तो हमारे ग्रह जो है वो हमें लगते हैं कि शांत हो रहे हैं, बट बेसिकली वो हमारी जर्नी को पुश कर रहे हैं. नाउ व्हेन वी डेवलप दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें माफ़ कर देते हैं, इनफैक्ट सब कुछ माफ़ कर देते हैं, यूनिवर्सल फ्लो को समझने लगते हैं, अपनी लाइफ जर्नी पे फोकस करने लगते हैं, हम लॉज ऑफ यूनिवर्स समझने लगते हैं, हम दूसरों की जर्नी को भी समझने लगते हैं, हम सभी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हैं, बेसिकली गलत चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने लगते हैं, जो हमें पता है कि जो चीज़ें डिस्टाइंड हैं वो वैसे ही होनी है, वो हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, हम खुद अपनी जर्नी को स्मूदर वे में निकाल कर ले जाने लगते हैं. नाउ जो ग्रह हैं हमारे, हमें उस इंटेंसिटी के साथ पुश नहीं करते, बिकॉज दे नो कि हम अब एक राइट ट्रैक पे हैं, अब वो हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें लगता है हमारी ग्रह दशा जो है वो अब ठीक हो गई है, शांत हो गई है, राइट? स्टिल कुछ हाइज एंड लोज हैं, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं फॉर फर्दर लर्निंग और कर्मा क्लियरेंस के लिए, बट नाउ वी नो अबाउट इट, तो हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती हैं, हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं, और उसके बाद जब हम इतना कुछ करते हैं तो यूनिवर्स ऑल्सो वॉचेस अस, भगवान भी हमें देखते हैं, और जो ग्रह हैं या सूर्यदेव हैं उनके पास भी हमारे लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, तो वो रिवॉर्ड्स भी हमें मिलने लगते हैं, वो रिजल्ट भी हमें मिलने लगते हैं, तो वी थिंक कि आप जो है हमारी ग्रह दशा है अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, सो दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग. तो आप इसे स्पिरिचुअली समझ लीजिए, या साइंटिफिकली समझ लीजिए, या लॉजिकली समझ लीजिए, आप किसी भी वे में अगर इसे समझते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आएगा कि सूर्य जलार्पण जो है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है, एंड दिस शुड बी डन बाय ईच एंड एवरीबडी, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, एवरीबडी हु कैन डू इट शुड डू इट.